हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में ब्यूटी इनसाइड का एपिसोड 9 देखने वाले हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम हंसगी की स्टोरी देखते हैं। वो ऐसे चेंज क्यों हो रही है वो जानने के लिए वो डॉक्टर के पास जाती है। वो तारीजम का भी सहारा लेती है, शमन के पास भी जाती है, पर उसे ऐसा क्यों हो रहा है उसे पता नहीं चलता। और हमें पता चलता है कि हंसगी की मॉम को हंसगी की ये सच्चाई मालूम नहीं है। और हम प्रेजेंट में आते हैं, हंसगी चुप रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है। हंसगी की मॉम यूमी को पूछती है ये छोटा बच्चा कौन है। यूमी बताती है वो उसका नेफ्यू है, हंसगी शूटिंग की वजह से बाहर गई है। यूमी हंसगी को लेके वहाँ से जाने लगती है, पर हंसगी की मॉम बोलती है अगर इस समय तुम इसे लेके गई तो लास्ट टाइम जैसे न्यूज़ फैल जाएगी, तुम इसे मेरे पास छोड़ के जाओ, मैं उसका ख्याल रखूँगी। फिर यूमी भी कुछ नहीं बोल सकती थी, वो हंसगी को वही उनके पास छोड़ के चली जाती है। वो उसे हक करके वहाँ से चली जाती है। हंसगी उसे कॉल करने का इशारा करके अंदर आती है। हंसगी की मॉम उसके लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनाती है और वो हंसगी के बारे में हंसगी के ही बताती है। ऐसा लग रहा था हंसगी छोटी होकर अपनी मॉम के साथ अपना चाइल्डहुड जी रही है। तभी हंसगी को सुधर्जी का कॉल आता है। वो बाथरूम जाती है उसे बात करने, पर वो कॉल पर बात ना करके उसे टेक्स्ट करती है। वो उसे बताती है कि वो चेंज हो गई है। सुधर्जी कहते हैं मैं आ जाता हूँ उधर। वो उसे मना करती है। हंसगी उसे कहती है मैं अभी बात नहीं कर सकती, पर जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी, और जब तक मैं टेक्स्ट ना करूँ तब तक मुझे कॉल मत करना। ऐसे ही 3-4 दिन चले जाते हैं। हंसगी और उसकी मॉम साथ में ही सोए थे। हंसगी की नींद नहीं आ रही थी। हंसगी की मॉम उसे लोरी सुना के सुलाती है। फाइनली यूनो भी अपने घर वापस आता है, अपने फैमिली के पास। नेक्स्ट डे हंसगी के घर में उसकी मॉम साफ सफाई कर रही थी। हंसगी भी जाग जाती है और उसे याद आता है अगर उसकी मॉम साफ सफाई करते करते उसके वार्डरोब और फोटो के पास चली गई तो उन्हें सब पता चल जाएगा। हंसगी सीधा सुधर्जी को कॉल लगाती है, अभी के अभी यहाँ आओ और मेरे मॉम को यहाँ से लेके जाओ। सुधर्जी सोचता है एक बच्चे की आवाज़। हंसगी बाजू का एप्पल जूस लेके बेड पर डालती है और रोने लगती है, ताकि उनको लगे कि उसने बेड गीला किया है और उनका वार्डरोब पर ध्यान और फोटो रूम की तरफ ध्यान ना जाए इसलिए। हंसगी की मॉम उसे चुप कराती है और वो बेडशीट धोने लगती है, पर वो सोचती है इसका स्मेल एप्पल जैसा क्यों आ रहा है। तभी उनकी डोरबेल बजती है, बाहर सुधर्जी आया था। उसे देखते ही उसकी मॉम उसे पहचान जाती है। उनके साथ हंसगी भी आती है बाहर। उसके गले का लॉकेट देख के सुधर्जी भी उसे पहचानता है। सुधर्जी नीचे बैठ जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे हंसगी से मिलने दीजिए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हंसगी की मॉम बोलती है वो अभी घर पर नहीं है। उसकी एक्टिंग देख के हंसगी को हंसी आ रही थी। सुधर्जी कहता है क्या मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ। हंसगी की मॉम बोलती है इस बच्चे ने अपना बिस्तर गीला किया है, मुझे उसे साफ करना है। सुधर्जी हंसगी की तरफ देखता है, वो इशारे में बोलती है मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, और वो हंसने लगता है और वो हंसगी की मॉम को वहाँ से लेके जाने में सक्सेस हो जाता है। हंसगी उनके जाने के बाद यूमी और यूनो को कॉल करती है। हंसगी की मॉम और सुधर्जी बातें करते हैं। हंसगी की मॉम कहती है अगर तुम उसे प्यार करती हो तो जल्द से जल्द शादी कर लो, मुझे उसके साथ कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसके साथ हमेशा रहेगा। उधर यूमी और यूनो आके सब फोटोज और क्लोथ्स लेके जाते हैं। हंसगी यूनो को कहती है मुझे यहाँ से लेके जाओ, मैं अकेली नहीं घूम सकती, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेंगे, मुझे कोई गार्डियन चाहिए घूमने के लिए। वो उसके साथ चली जाती है। हंसगी की मॉम वापस आती है। यूमी उन्हें बताती है कि उसकी मॉम ठीक हो गई, इसलिए वो अपने बच्चे से मिलना चाहती थी, वो उससे हम वहाँ पर छोड़ के आई हूँ मैं। हंसगी सुधर्जी को मिलती है। हंसगी पूछे क्या कहा मेरी मॉम ने। सुधर्जी कहता है तुम्हारी मॉम हमें इस महीने शादी करने बोल रही है, और हंसगी स्माइल करती है। वो दोनों साथ में थे तब हंसगी को एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो नंबर सुधर्जी को दिखाती है, वो उसका वो ग्रैंडपा का फ़ोन नंबर था। वो हंसगी को उनके घर इनवाइट करना चाहते थे। वो कॉल सुधर्जी उठाता है। उसकी दादाजी पूछते हैं तुम दोनों साथ में हो गए क्या। वो उससे हंसगी को कॉल देने बोलता है, पर सुधर्जी बताता है कि वो अब उस कंडीशन में नहीं है बात करने की, और वो हंसगी की तरफ देखता है। हंसगी की नज़र तभी वहाँ से जा रही उस औरत पर पड़ती है। उसे याद आता है उसके बच्चे के बारे में जो उन्होंने उसे कहा था। वो सुधर्जी को उस बच्चे की इन्फो निकालने बोलता है जिस बच्चे को उस औरत के बच्चे का हार्ट दिया था। सुधर्जी उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है और उन्हें पता चलता है कि उस बच्चे की मौत ऑपरेशन के टाइम ही हो गई थी। हंसगी डिसाइड करती है कि वो उस औरत के पास जाएगी। वो सुधर्जी के साथ उस औरत के पास जाती है और उन्हें बोलती है मुझे पता चला है कि आपके बेटे का यानी मिंजुक का हार्ट मुझे डोनेट किया है। और वो औरत रोने लगती है। वो हंसगी को गले लगाती है और उसकी हार्ट बीट सुनती है। हंसगी कहती है मैं आपके लिए खुद का ख्याल रखूंगी। हंसगी ने यहाँ झूठ बोला था, पर किसी की खुशी के लिए, किसी की ज़िंदगी के लिए उसने झूठ बोला था।
रात में हंसगी और सिद्धू जी बातें करते हैं। सिद्धू जी को हंसगी ही दिख रही थी, वो चेंज हो गई थी। फिर भी हंसगी कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सबसे अजीब है, तुम्हें हर बार मुश्किल में डालती है, उसके लिए सॉरी। सिद्धू जी कहता है, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहना चाहता हूँ। हम कांगसारा को देखते हैं, जिसके पापा ने उसे गिफ्ट भेजा था, एक मारीगोल्ड का प्लांट। उसका मीनिंग था, तुम्हारे पास हैप्पीनेस आएगी, और उसे बर्थडे विश किया था। पर कांगसारा को खुद याद नहीं था कि उसका बर्थडे है। यूनो चर्च में था, वो फादर से बात करता है, उसे आगे प्रेस बनने की राह चुननी चाहिए या नहीं वो सोच रहा था। वो गॉड से प्रे करता है कि उसकी फ्रेंड हांसिके, यूमी, उसकी फैमिली, इन सबको खुश रखना, और कांगसारा के लिए भी प्रे करता है कि उसे भी खुशी मिले लाइफ में। हम हांसिके को देखते हैं, जो अपनी रियल आइडेंटिटी में आ गई थी। वो अपने मॉम के पास आती है। इतने 3-4 दिनों से वो अपने मॉम के साथ ही थी, पर उसकी मॉम को पता नहीं था। वो उसे हक करती है। उसकी मॉम उसे सिद्धू जी के बारे में बताती है। वो उसे बोलती है, वो एक अच्छा इंसान है, तुम उसे शादी कर लो जल्द से जल्द, और तुम दोनों साथ में खुश रहना। हंसगी कहती है, मैंने उसे डंप किया है, वो मेरे करियर के बीच आ रहा था इसलिए। हंसगी की मॉम बोलती है, तुम दोनों अभी भी साथ हो ना। हंसगी नहीं बोलती, किसी को सच्चाई नहीं बताई थी उन्होंने। फिर नेक्स्ट डे हंसगी की मॉम वापस घर आ जाती है। अपने सिद्धू जी के फैमिली गैदरिंग में हंसगी आई थी, वहाँ सिद्धू जी भी आता है, पर उसे वहाँ सरप्राइज मिलता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वहाँ पर हंसगी आने वाली है। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने ही उसे इन्वाइट किया है। उधर कांगसारा भी आती है, वो बातें करते हैं। कांगसारा के पापा सबको बताते कि कुछ दिन पहले कांगसारा का बर्थडे था। सिद्धू जी की मॉम बोलती है, तुमने हमें कुछ नहीं बताया, तुम्हारा बर्थडे था फिर भी। तभी सिद्धू जी कांगसारा को बर्थडे गिफ्ट देता है, उसे उसका बर्थडे याद था। कांगसारा तभी उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, तुम दोनों साथ में आ गए क्या। हंसगी कहते हैं, नहीं, मुझे ग्रैंडपा ने इन्वाइट किया है, किसी को पता नहीं था वो दोनों डेट होकर रहे एक दूसरे को। हंसगी, उसने वो टॉपिक निकाला था इसलिए उसके घर के काम का टॉपिक निकालती है उसे वो चुप करवाने के लिए। वो जाते वक्त पार्किंग में हंसगी कांगसारा को बोलती है, तुम यूनो जैसे काइंड पर्सन का इस्तेमाल करने का सोचना भी मत, और तुम्हें बता दूँ वो अब प्रिस्ट बनने वाला है। कांगसारा ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। वो यूनो को कॉल करके बुलाती है मिलने। वो दोनों मिलते हैं। यूनो उसे पूछता है, इस बार क्या हुआ तुम्हें। कांगसारा बताती है, इस बार मेरे फैमिली की वजह से। वो कहती है, मुझे लगा था कि हम सब फैमिली मेरे बर्थडे की वजह से इकट्ठा हुए है, पर किसी को पता भी नहीं था कि मेरा बर्थडे है। यूनो बोलता है, तुम्हारा एक्चुअल बर्थडे अलग है, मैंने तुम्हारे आईडी पे देखा था। कांगसारा कहती है, तुम स्मार्ट हो। पर यूनो बिल पे करता है। वो कांगसारा को बोलता है, तुम्हारे बर्थडे के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। और कांगसारा पीछे से मैरीगोल्ड के प्लांट को देखती है, जिसे लगता है शायद उसकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आने वाली है। हंसगी और सिद्धू जी हंसगी के घर में थे, वो दोनों बातें करते हैं, ड्रिंक करते हैं साथ में। हंसगी वहाँ से कुछ लेने जाती है और सिद्धू जी के कपड़ों पर वाइन गिर जाती है। हंसगी उसे साफ करने लगती है। सिद्धू जी कहते हैं, तुमने जानबूझ के किया ना ये सब मुझे टच करने के लिए। हंसगी हंसने लगती है। सिद्धू जी उसे खींचकर उसे गोदी में बैठाता है और वो दोनों किस करते एक दूसरे को। और वो दोनों रोमांस कर ही रहे थे, तब अचानक रूम की लाइट चालू होती है और वहाँ आई थी हंसगी की मॉम फिर से, और हंसगी की रिएक्शन देखने के लायक थी। आगे क्या होता है हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।